हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत एक मौज में। आज का एपिसोड मैंने सोचा कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बार बार सेम किस्म की खबरें मैं सुना सुना के और आप सुन सुन के शायद थोड़ा बोर भी हो गए हों, क्योंकि नया कुछ हो नहीं रहा है और वही चीज़ें, वही नेगेटिव चीज़ें बार बार हर जगह हो रही हैं। आपको भी पढ़ने सुनने में देखने में मिल रहा होगा ये सब। तो कुछ नया ट्राई करते हैं और शुरू करते हैं आज का भारत एक मौज। दोस्तों, देश बड़ी तेज रफ्तार के साथ भाग रहा है। अब कुछ कह रहे हैं कि आगे की तरफ भाग रहा है और कुछ कह रहे हैं कि पीछे की तरफ भाग रहा है। मेरा मानना यह है, मैं अपना व्यक्तिगत मानना बता रहा हूं, कि जो आजकल की दुनिया के हिसाब से जो एक प्रोग्रेसिव मुल्क की जो निशानियां होती हैं वो हमारे मुल्क से गायब होती चली जा रही हैं, और मेरा मानना है कि हम पीछे की तरफ भाग रहे हैं। कितनी दफ़ा आपको लोग इस तरह की कन्वर्सेशन करते हुए मिल जाएंगे कि हमारा तो पास्ट बड़ा बेहतरीन था और अब जाके कुछ लोगों की वजह से गुड़ गोबर हो गया है। मतलब कभी मुगलों का नाम लग जाता है, कभी कांग्रेस का नाम लग जाता है, और नेहरू का तो गाय बगाहे लगता ही रहता है। और आपको पता, अभी रिसेंटली फ्रीडम स्ट्रगल्स के लीडर्स में से गवर्नमेंट की वेबसाइट पे नेहरू की फोटो भी गायब हो गई और उसकी जगह सावरकर की फोटो आ गई है। अब ये आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, ये फैसला करने वाले आप खुद बहुत समझदार हैं, आप भी देख लीजिए। तो ये जो पास्ट हमारा इतना ग्लोरीफाइड पास्ट था, जब हमारे पास सब कुछ था और ज्ञान का पूरा भंडार था यहाँ पे सिविलाइजेशन में, दुनिया भर को हम रास्ता दिखा रहे थे, फिर बीच में कुछ गड़बड़ हो गई और अब हमें वो पास्ट डिस्कवर करना है। और उसके लिए चाहे हम प्रेजेंट का कितना भी खून कर दें, कितनी भी यहाँ पे गंद मचा दें, कितने भी जो इतनी मुश्किल से हमने एक डेमोक्रेटिक स्टेट इस्टेब्लिश किया था, एक संविधान लिखा था, उसकी कितनी भी धज्जियाँ उड़ जाएं, और जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारा पास्ट ग्लोरीफाइड था, ग्लोरीफिक पास्ट था, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उस पास्ट में आपका पर्टिकुलरली क्या योगदान था। आपका योगदान हो सकता है सिर्फ आज के प्रेजेंट में, आज के भारत को और मजबूत बनाने में, बजाय इसके एक बहुत बड़ा तबका इन चीज़ों में लगा हुआ है कि किसी को अर्बन नक्सल बोला जा रहा है, किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग बोला जा रहा है, और किसी को जिहादी बोला जा रहा है, विदाउट थिंकिंग कि इन सब जो एडजेक्टिव्स का एक देश की कलेक्टिव कॉन्शियस पे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे किस किस को क्या भारत से और मजबूत हो रहा है, ये एक बिल्कुल बिल्कुल सोचने वाली बात है। और इसका अगर आप सोचोगे तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। टुकड़े टुकड़े गैंग वो है जो देश को तोड़ना चाहता है। टुकड़े टुकड़े गैंग, इन्होंने को स्टूडेंट्स को बोला कि इन्होंने नारे लगाए हैं। नारे तो जैसे कि मैंने पहले एपिसोडों में भी बोला है कि नारे तो जंतर मंतर पे भी लगे थे। दोनों नारों में से कौन सा टुकड़े टुकड़े गैंग का नारा है वो आपको समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही क्लियर तरीके से हिंदुस्तान की जो मुस्लिम आबादी है उनको जो है विलीफाई करा जा रहा है और विक्टिमाइज भी करा जा रहा है। आप ये देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान के अंदर जब से अफगानिस्तान में तालिबान ने अपना कब्जा जमाया है, हिंदुस्तान में एक अलग ही डिबेट शुरू हो गई है लोगों के बीच में, और वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को किसी तरीके से तालिबान से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कोई मतलब आधार है ही नहीं। और तालिबान में दिखा रहे हैं कि भैया हवाई जहाज से बंदे गिर रहे हैं और वहाँ पे क्योस हो रहा है, तालिबान जो है सड़कों पे मार रहा है और औरतों के हक मारे जा रहे हैं, और जो है जो माइनॉरिटीज़ हैं और जो दूसरे सेक्स के लोग हैं उनकी हत्याएं करी जा रही है, जर्नलिस्ट को मारा जा रहा है। मैं आप सब समझदार लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जितनी भी घटनाएं जो तालिबान के हवाले से अफगानिस्तान में हुई हैं, इनमें से कौन सी घटना हिंदुस्तान में नहीं हो रही है? चाहे वो जर्नलिस्ट की सिक्योरिटी को ले लो आप, चाहे स्टूडेंट एक्टिविस्ट की सिक्योरिटी को ले लो आप, जेलों में भरे हुए हैं, आपको पता ही है यूएपी उनके ऊपर लगा हुआ है, महिलाओं के अधिकारों की बात कर लो, और आए दिन माइनॉरिटी पे तो जो लिंचिंग के वीडियोज आपके सामने आते रहते हैं, कोई चूड़ी बेच रहा था बेचारा इंदौर में, उसे पीट दिया और उसके ऊपर केस लगा दिए, तो ये तालिबानी हरकतें नहीं है क्या? News coming in from Indore, a 25-year-old man who had gone to sell bangles in the Banganga area of the city was mercilessly thrashed. और ये करने के बाद आज के जमाने में, आज की दुनिया में, जब दुनिया चांद पे जाने की बातें कर रही है और जो है अंतरिक्ष में स्पेस क्राफ्ट जा रहे हैं, ब्लैक होल्स की फोटो बन रही हैं, दुनिया साइंस में इतनी तरक्की कर रही है, हम ये क्या कर रहे हैं? और हम इसको बोल रहे हैं अपनी पास्ट ग्लोरी को हम रिक्लेम कर रहे हैं। एक चूड़ी बेचने वाले बच्चे की आपने मतलब कुटाई कर दी वहां पर, उसी के ऊपर केस लगा दिए, तो तालिबानी हरकतें तो ये है ना। अरे अफगानिस्तान अपना देख लेगा यार, आप अपना घर संभालो, देश को मजबूत करने के लिए अगर ये चीजें, आप खुद ही बताइए कि इनसे कहां से देश मजबूत हो रहा है। अगर देश की कितनी बड़ी आबादी को आप ये महसूस करा देंगे ये आपका देश है ही नहीं है, तो फिर कैसे देश के टुकड़े नहीं होंगे ये बताओ आप।
जो यूथ होगा उस कम्युनिटी का, वो कैसे बरगलाया नहीं जाएगा, कैसे वो गुमराह नहीं होगा जब उसको लगेगा यहाँ मेरे अधिकार ही कुछ नहीं है और यहाँ पे मेरे को सिर्फ चूड़ी बेचने के लिए, अपनी रोजी रोटी पालने के लिए मेरे को मारा कूटा जा सकता है, दलित के ऊपर रोज अत्याचार हो रहा है, ये किस किस तरफ हम जा रहे हैं। एक मोटी बात ये हम सबको समझनी चाहिए कि देश और धर्म दो अलग अलग चीजें हैं। धर्म सबका व्यक्तिगत मामला है और उसको व्यक्तिगत ही रखें तो बेहतर है, और अच्छी सोसाइटीज में यही होता है, अपना धर्म किसी के ऊपर थोपो, और अगर आपका धर्म ये चाहता है कि जो गैर धर्म के लोग हैं उनको मार पिटाई करी जाए, उनकी लिंचिंग करी जाए, तो आपका धर्म वास्तव में खतरे में है, आपसे ही खतरे में है। और ये सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं हो रही है, दुनिया में जहां जहां जो भी रिलीजन मेजोरिटी में है वो उसको यही लगता है। पाकिस्तान को देख लो, उनको लगता है इस्लाम खतरे में है, जो कंट्री बनाई इस्लाम के लिए, बट क्योंकि ये प्रोग्राम भारत एक मौज है, हैं, इसलिए मैं पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात नहीं करूंगा। मैं तो ये बताऊंगा आपको, सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक बार हमें ये इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, अपने 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 अंदर, अपने परिवार वालों के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर झांक के उनको ये देखना चाहिए कि इनमें से कौन कौन लोग हैं जो देश और धर्म की तुलना में धर्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। हिंदुस्तान जो मुल्क है उसमें कोई एक धर्म तो है ही नहीं, उसमें बहुत सारे धर्म हैं। अगर आप धर्म को लेके ये मुहिम चलाओगे हिंदुस्तान के अंदर, तो जो बाकी धर्म के लोग हैं वो कैसे हिंदुस्तानी होना महसूस करेंगे, इससे देश के टुकड़े होते हैं या नहीं होते, इसका फैसला आप खुद कीजिए। 9 महीने से ज़्यादा हो गए हैं किसानों को आंदोलन करते हुए 3 कानूनों के खिलाफ। सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये सड़कों पर दिख रहा है हमको, है। और जो अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, कि जो आप अफगानिस्तान की बातें कर रहे थे, ये केओस तो इंडिया में पिछले साल देश की राजधानी तक में देखने को मिला था, जब ट्रकों पे और बसों पे लद लद के गरीब मजदूर अपने बच्चों को पैदल पैदल चला के खींच खींच के अपने अपने गांव में जा रहे थे 1800-1800 किलोमीटर पैदल चल के। और हमको फिक्र हो रही है इस बात की कि तालिबान में काबुल एयरपोर्ट पे जो अफगान बाहर भागना चाह रहे थे वो जहाज से लटक लटक के गिर गए नीचे, और वहां पे केओस हो रहा है। किसान आंदोलन की जैसे मैं बात कर रहा था अभी एक दो दिन पहले करनाल में क्या हुआ है, हैं, हरियाणा सरकार के अधिकारियों ने कह के किसानों के सर फोड़े हैं, बोल के कि यहां से जो भी जाएगा उसका सर फूटना चाहिए, जो भी हो यहां से इससे कोई नहीं जाना होगा, इसी तरह स्पष्ट कर दे तो सर फोड़ दे। ये हमारे देश के किसानों के साथ हो रहा है, क्योंकि पहले एक नारा आता था इस सरकार के आने से पहले, बहुत हुआ किसानों पे वार, अब की बार मोदी सरकार, ये सुन सुन के भी हम थक गए हैं। पहले कर दिया डीमोनेटाइजेशन, अब कर रहे हैं मोनेटाइजेशन, और मोदी जी ने ये कहा था, ये बात तो मुझे कहने में भी बोरियत होती है, क्योंकि ये बात की इतनी धज्जियां उड़ चुकी हैं, इतना मजाक मखौल उड़ चुका है कि देश नहीं बिकने दूंगा। अब ये मोनेटाइजेशन में क्या कर रहे हैं, जो जो विरासत में हमको इंस्टीट्यूशंस और जो 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 चीजें मिली थी धीरे धीरे उनको बेचा जा रहा है, और किसको बेचा जा रहा है ये इट इज़ एनीबडीज गैस, ये जानना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम के बारे में कोई बात ही नहीं होती है, और कहते हैं कि जो कांग्रेस के ऑयल बॉन्ड थे इसकी वजह से ये दाम इतने बढ़े हुए हैं। लेकिन अगर आप इसका बहुत ही सिंपल सा मैथमेटिक्स है, ऑल्ट न्यूज़ ने इसके ऊपर एक आर्टिकल भी निकाला है कि मैथ एडअप नहीं करता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर ये बोल रही है ऑयल बॉन्ड्स की वजह से हम पेट्रोल डीजल के दाम नहीं कम कर पा रहे हैं, ये बात सच नहीं है। तो हिंदुस्तान की सड़कों पर, मैं मानता हूँ इस प्रोग्राम का मकसद इस टोन में बात करना नहीं है, लेकिन हद हो गई है, और मैं मजबूर होके ये बोलने पे पहुंचा हूँ, ये बोल रहा हूँ कि एक बार इंट्रोस्पेक्शन करके देखिए कि हम कितनी तेज रफ्तार से उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में आज शायद दुनिया का कोई प्रोग्रेसिव मुल्क जाता हो। हमें अपना पास्ट के चक्कर में प्रेजेंट तो छोड़ो फ्यूचर भी खराब कर रहे हैं। आप सब लोगों के बच्चे बड़े होकर कैसा हिंदुस्तान इनहेरिट करेंगे, ये सब आपको सोचने की जरूरत है। एक आंदोलन नहीं हो रहा है इस देश के अंदर, स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट जेल में भरे हुए हैं, जर्नलिस्ट के ऊपर प्रेशर है कि आप इस तरह की बातें ना करो, कोर्ट्स में जो हो रहा है वो आपको मालूम है सब कुछ। तो व्हाट इज दिस कंट्री दैट वी आर ट्राइंग टू मेक, इसका क्या से क्या बन गया है। मैं ये नहीं कहता कि पहले कोई बहुत ही अच्छा था और मतलब दुनिया का एक बहुत अजीम तरीन मुल्क था, नहीं, जैसे कि कोई हिंदी सस्ती हिंदी फिल्म में एक डायलॉग भी था कि कोई भी मुल्क परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। इस तरह से परफेक्ट बनाएंगे जो जो आज हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है, इस तरह से परफेक्ट बनाएंगे। और आपने इन इन पॉलिटिकल लीडर्स की जो इस तरह के नारे देते हैं कि गोली मारो देश के गद्दार वो सालों को गोली मारो, और पब्लिक प्लेटफॉर्म इस तरह के नारे थे, जंतर मंतर पे जो लोग आके अलगाववादी नारे बोल रहे थे, इनकी असलियत भी आपको पता है, क्योंकि आपने कितने ऐसे सारे वीडियो देखे होंगे। लल्लन टॉप ने तो बिल्कुल साफ साफ करके दिखा दिया था कि एक बंदा जो वंदे मातरम चिल्लाया जा रहा था भाजपा का कार्यकर्ता, उसको बोला तू सुना, तो उसके पास एक लाइन सुनाने को नहीं आई। वंदे मातरम का विरोध करना उनका, वंदे मातरम सुनाइए, वंदे मातरम।
तो किस तरह के लोगों के हाथ में हमने अपने देश का भविष्य फ्यूचर दे दिया है। माना आप नहीं होंगे 40-50 साल के बाद, हैं, लेकिन ये देश तो होगा और आपके बच्चे और उनके बच्चे तो होंगे। वो क्या कर रहे होंगे उस वक्त, उनको किस तरह का हिंदुस्तान हम देके जा रहे हैं, ये चीज सोचनी बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत एक मौज, जैसा कि मैंने पहले कहा, अब ये मौज ना कुछ अलग डायरेक्शन में जाती जा रही है, अब नफरत की मौज हो जा रही है यहाँ पे। अब आपको नफरत का सौदागर बनना है और अपने बच्चों को नफरत की दुनिया उनको विरासत में देनी है, नफरत का हिंदुस्तान उनको विरासत में देना है, तो ये आपकी मर्जी है। हम तो बोलते रहेंगे और मुझे मालूम है कि आप भी अगर ध्यान से ईमान से सोचोगे, हिंदुस्तान से प्यार करते होगे, तो एक बात समझ जाओगे कि देश और धर्म में फर्क होता है। जो भी देश धर्म के आधार पर चलता है वो तरक्की नहीं कर सकता। और हमारे सामने दुनिया में इतने सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे मुल्कों के जो सिर्फ धर्म के आधार पर बने हुए हैं। अभी हमको लोग ये बोलते हैं कि ज्यादा इंडिया में वो हो रहा है, तुमको तो अफगानिस्तान चले जाओ। भाई आप तो बोल रहे थे हम अच्छे दिन लेके आएंगे, आप तुम ये बोल रहे हो कि अफगानिस्तान से तो अच्छे हैं, ये तो वादा नहीं था आपका, ये तो आप ट्रिक खेल रहे हो हमारे साथ। प्लीज सोचें इसके बारे में और इंट्रोस्पेक्ट करें और ये देखें कि इस हिंदुस्तान की हम क्या हालत कर रहे हैं और कितनी तेजी से कर रहे हैं। तो दोस्तों इंट्रोस्पेक्शन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। और जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि रोज ऐसी खबरें सुन सुन के मतलब अब दिल ने भी धड़कना बंद कर दिया है। अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के अंदर एक आदिवासी युवक को ट्रक के पीछे बांध के पूरे शहर में घसीटा और वो अल्टीमेटली उसकी डेथ हो गई। ये अफगानिस्तान में नहीं हो रहा, दिस इज हैपनिंग इन द हार्ट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान में हो रहा है। और हमें फिक्र हो रही है तालिबान की कि वो वहां पर क्या क्या कर रहे हैं। तो ये सब सवाल डेली उठाने बहुत जरूरी हैं। आज मुझे लगा कि आज थोड़े प्रोग्राम का मूड चेंज करके ये जरूरी बात आपसे कर लेते हैं। ये था इस बार का भारत एक मौज। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए कान खड़े रखिए और नफरत से दूर। रे जनता ऊंच नीच के पापड़े में लड़ते पड़ते गोल, फिर भी बाज ना आए बंदर बाट के झोल, संत मंत्री पुलिस कलेक्टर सभी खड़ा माडोल, ज्ञान में खोट ना आए भारत एक मौज। रे पीटी उसा पीछे छोड़े मलया मोदी मेल, चौकीदार जो दिन में सो गया बन गए देश की रेल, अरे चटनी एक ऐसी भैया स्वाद सभी सभी रोल, मजे में फिर भी ले चटकारे भारत एक मौज। अरे चढ़ी गई खजूर पे और मौसम हो गया है सोस, महाभारत के काल में हो गई इंटरनेट की खोज, पहलू का सिमर अकबर मांगे जान के भिक्षा रोज, अरे काठ के उल्लू बन गए राजा भारत एक मौज। अरे मन की बात करे अरे संडे बिना किसी के रोक, आम नागरिक कुछ भी बोले लो आ गई जन कीड़ों की फौज। अब देश में पढ़ना लिखना हो गया टैक्स पेयर पे बोझ, पर कावड़ियों पे फूल की चादर भारत एक मौज। अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज।